सोमिया जी सोमिया, देखें आपसे मिलने कौन आया। अरे कौन आया? आपकी इतनी याद आ रही थी अम्मी। बेटा मैं तुम्हें यहाँ हंसता खेलता देखने आई। इस तरह से अगर तुम रोगी तो मेरे आंसू भी खुश्क नहीं होंगे। थैंक यू अदन। किस लिए? अम्मी अदन तो चाहते थे कि हम कल चलें आपसे मिलने के लिए, लेकिन मैंने ही रोक दिया और आज अदन खुद आपको यहाँ पर ले आए। नहीं नहीं आंटी को मैं नहीं लेकर आया। आंटी तो खुद तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन थी। मेरे ऑफिस आ गई, कह रही थी कि इन्होंने ऑफिस देखा हुआ, तो मैंने यहाँ पर ले आया। आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं अदन ड्राइवर भेज देते। राहिला से नहीं पूछना चाहती थी, पूछती भी तो कोई बहाना बना लेती। आप लोग बातें करें, मैं बुशरा से कह के चाय वाय भेजवाता हूँ। बैठे। अगर आज तुम्हें देखने ना आती मेरी जान निकल जाती। अल्लाह ना करे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? तो मुझे बताओ, सब कुछ खुद क्यों सहती रही? माँ के साथ अपना बोझ हल्का कर सकती थी ना। तो हुआ क्या है अम्मी? तुम सब कुछ जानती थी ना। राहिला की साजिशें कामयाब हो गई, उसने हातिम को तुम्हारी नजरों में गिराया और तुम्हें हातिम के सामने बेवफा साबित किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो हमारे साथ इतना घिनौना खेल खेलेगी। अम्मी छोड़े, जो होना था मेरे साथ वो हो गया। अल्लाह उसे नेक हिदायत दे, लेकिन सोमिया उसके दिल में अब भी हातिम और तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है। अम्मी आपको पता है वो मुझे अभी भी चैन से नहीं जीने दे रही। उसने यहाँ पर शीरी से दोस्ती कर ली है, वो यहाँ आकर उसको पता नहीं क्या कुछ बताती है। मुझे यहाँ पर हर कोई शक की नजर से देखता है। अतन भी? नहीं अम्मी, वो तो बहुत अच्छे हैं। सोमिया, जो अच्छे हैं ना उनको कभी भी शिकायत का मौका मत देना। मुझे सिर्फ ये डर है कि हातिम की मोहब्बत की वजह से तुम अदन को ना खो बैठो। मैं ऐसा क्यों करूंगी अम्मी? तो खत्म करो ना रابطہ हातिम से। मैंने सुना है अभी भी तुम उसको फोन करती हो। बस कर दो। देखो अब बात बदल गई है, हालात मुख्तलिफ हैं। अब अगर तुम हातिम के साथ रابطے में रहोगी तो नामुनासिब बात है।